हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका T20 चैलेंज का, वॉरियर्स वर्सेस नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 2.5 घंटा बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो टीम आपको मैं देने वाला हूँ, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए टीम देने वाला हूँ। उसके बाद आपको ग्रैंड लीग के लिए भी टीम मिलने वाला। तो दो टीम यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ मैच डिटेल्स, उसके बाद दोनों टीम की फॉर्म दोस्तों, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे कितने पोजीशन पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर वॉरियर्स का कौन सा प्लेयर आपको की प्लेयर है, उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन के किस प्लेयर को लेना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद टीम फॉर्म, हेड टू हेड, पॉइंट्स टेबल, उसके बाद ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड पहले बार आप मेरे चैनल पे आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और बेल आइकॉन भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाय मिस्टेक अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना @शत्रुघ्न225, सर्च करते दोस्तों आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो 1319 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक और प्रोसेस है, क्रिकेट जैसे जाकर भी सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरा चैनल हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट में टेलीग्राम पे करता हूं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैच वॉरियर्स वर्सेस नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के बीच में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच है 28 T20 मैच है साउथ अफ्रीका T20 चैलेंज के, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे खेला जाएंगे। स्टेडियम इन वेन्यू की बात करें, सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका में खेला जाएंगे। तो दोस्तों ये बात देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पीछे बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज फर्स्ट इनको 135 से 140 के बीच में रहने वाला है। और यहाँ पर वेदर की बात करें, स्कैटर्ड क्लाउड से, टेम्परेचर 17.58 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टीम की ओर से आपको मैं यहाँ पर पूरे 6 प्लेयर्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 प्लेयर्स देखना दोस्तों। यहाँ पर पहले प्लेयर जो है टी स्टेप्स है दोस्तों। यहाँ पर इनकी एवरेज स्कोर की बात करें लास्ट 6 मैच में, तो इनके हर मैच में 45 रन प्लस बना रहे हैं, और इनके स्ट्राइक रेट भी बहुत मायने रहते हैं दोस्तों, 195.03 इनकी स्ट्राइक रेट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्लेयर है डब्ल्यू लूबी। अगर इनकी बात करें वॉरियर्स के लिए खेलते हैं, लास्ट 6 मैच में इनकी एवरेज स्कोर है तो यहाँ पर 35 से 40 के बीच में रहने वाले हैं, और इनकी स्ट्राइक रेट है 124.86। और वहीं यहाँ पर डी प्रेटोरियस की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, यहाँ पर 6 मैच में यहाँ पर लास्ट बात करें तो यहाँ पर 24-20 प्लस रन बना रहे हैं, और इनकी स्ट्राइक रेट 110.76 है, और मिडिल ऑर्डर पे खेलते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू मार्शल है दोस्तों। अगर इनकी बात करें तो लास्ट 6 मैच में इनकी 21 प्लस रन बना रहे हैं, और इनकी स्ट्राइक रेट भी लाजवाब है, 152.38 है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एल नोगोपी है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट 6 मैच में अगर इनकी बात करें 18 प्लस रन बना रहे हैं, इनकी स्ट्राइक रेट 131.76 है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर एन बर्ग की, 6 मैच में लास्ट 6 मैच में देखा जाए तो 17 प्लस रन बना रहे हैं, इनकी स्ट्राइक रेट 124.09 है। तो यहाँ पर इनकी बात करें टी स्टेप्स की सबसे अच्छे हैं दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करें तो। यहाँ पर एक और प्लेयर है स्ट्राइक रेट के मामले में डब्ल्यू मार्शल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो 6 प्लेयर है ना, 6 प्लेयर को आपको मस्ट इनशूट टीम में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों में पहला बॉलर है दोस्तों एम नाभी है। अगर इनकी बात करें लास्ट 4 मैच में 100% यहाँ पर 1 से 2 विकेट इनको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी इकोनॉमी बहुत हाई है, 10.53 इनकी इकोनॉमी, तो आप यहाँ पर इस प्लेयर को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये भी जो 6 बॉलर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस मुत्तुस्वामी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी इकोनॉमी जो है 4.42, इकोनॉमी बहुत अच्छे है दोस्तों। यहाँ पर बाकी बॉलर से भी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बेस्ट बॉलर एस मुत्तुस्वामी है। इनको लास्ट 6 मैच में 100% 1 से 2 विकेट इनको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मखोसी है, अगर 3 मैच की बात करें लास्ट, यहाँ पर 1 से 2 विकेट मिल रहे हैं, इनकी इकोनॉमी है 7.63। उसके बाद यहाँ पर एंटी वांदवा की बात करें, लास्ट 4 मैच में 1 विकेट कंपलसरी है, 7.07 इनकी इकोनॉमी है। उसके बाद यहाँ पर डीसी को की बात करें, लास्ट 6 मैच में इनको यहाँ पर विकेट कभी मिलते तो कभी नहीं मिलते, लेकिन इनकी इकोनॉमी 7.52 है। उसके बाद यहाँ पर सी सेलेका की बात करें दोस्तों, लास्ट 6 मैच में 0 से 1 विकेट, मतलब मिलते हैं कभी तो कभी नहीं मिलते, लेकिन इनकी इकोनॉमी 6.75 है। तो बेस्ट बॉलर की बात करें तो मुत्तुस्वामी है दोस्तों, इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो ये परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन बॉलर आपको मैं बता दें। अब बात करते हैं टीम फॉर्म, तो नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स ने लास्ट 5 मैच की बात
करें, एक ही मैच जीते, तीन मैच हारे और एक मैच ड्रा हुआ। और यहाँ पर वॉरियर्स की भी सेम है हाल दोस्तों, यहाँ पर तीन लास्ट पांच मैच में एक मैच जीते और चार मैच हार गए। तो नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स और यहाँ पर वॉरियर्स की सेम टू सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट्स टेबल पे देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन ने छह मैच खेले दोस्तों, यहाँ पर दो जीते हैं चार मैच हारे। वॉरियर्स भी छह में दो जीते हैं चार मैच हार के यहाँ पर फिफ्थ वर्सेस सिक्स्थ में पोजिशन पे। ये मैच फिफ्थ वर्सेस सिक्स्थ के बीच में मैच होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग के लिए आपको मैं तीन प्लेयर का नाम लूंगा, दी प्रेटोरियस, डब्ल्यू लीबी और डी सबसे। दोस्तों यहाँ पर ये जो तीनों प्लेयर है, तीनों प्लेयर को आपको 100% टीम में रखना पड़ेगा, तीनों प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। तो तीनों प्लेयर को भूल के भी अवॉइड मत कीजिएगा। तो दोस्तों तीनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपको मैं आई होप अच्छे समझाए। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होने वाला है दोस्तों वो होगा फाइनलिटी, वहां पर आपको स्मॉल लीग, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड लीग का टीम मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों टीम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टीम है, यहाँ पर ये पहला टीम है दोस्तों स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए ले सकते हो, उसके बाद ये जो टीम है दोस्तों मिनी ग्रैंड लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहला टीम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग पे यहाँ पर वैन डेन बर्ग है दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे तो एम ब्रिट्सकी को ले सकते हो, खजली भी एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, आप इन तीनों को भी आप ले सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों सारे बैट्समैन में टी स्टेप्स है, इनकी तो स्टैट्स आपको मैं बता भी चुका हूँ, एक अच्छे प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोंगोलो है, उसके बाद यहाँ पर मार्शल है दोस्तों, इनकी स्ट्राइक रेट लाजवाब है। उसके बाद यहाँ पर नेगोपी है दोस्तों, इनको आप ले सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है दोस्तों रोशियर, आप इनको पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग तीन बैट्समैन पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पोंगोलो को आप अवॉइड करके दोस्तों यहाँ पर नेगोपी को आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चार बेस्ट ऑलराउंडर को यहाँ पर मैंने पिक किया दोस्तों, जे स्मर्ट, डी प्रेटोरियस, डब्ल्यू लूबी और यहाँ पर मुत्तुस्वामी, चारों प्लेयर को मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर डीसी को नवांदावा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेलेका है दोस्तों सेलेका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों को मैं लेके जा रहा हूँ अपने टीम में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर है तो एम नाबी के भी ले सकते हो, क्योंकि इनकी इकोनॉमी वाइज गेंदबाजी, इनकी आपको स्टार्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया। और डी जॉनसन है दोस्तों, आप चाहे तो इनको भी ले सकते हो। तो एक बार चलिए दोस्तों यहाँ पर एक बार टीम प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर मैं दो ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डब्ल्यू लूबी और डी प्रेटोरियस है। तो दोस्तों एक बार टीम देख सकते हो आप यहाँ पर, विकेट कीपर में रैंडी बेयर है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पे नगोपी, मार्शल, टी स्टेप्स है और ऑलराउंडर पे जे स्मर्ट, प्रेटोरियस, डब्ल्यू लूबी और एस मुत्तुस्वामी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में डिसिको और यहाँ पर नांद्रेस और यहाँ पर किसी से लेका है दोस्तों यहाँ पर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक मेरा टीम है दोस्तों स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए आपको परफेक्ट है। उसके बाद आपको मैं देने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए और मिनी ग्रैंड लीग के लिए। तो चलिए दोस्तों वो भी टीम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फिर दूसरा टीम देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्रिट्स की आपको यहाँ पर विकेट कीपिंग पे नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैट्समैन पे दोस्तों, चलिए बैट्समैन पे भी दिखा देंगे। यहाँ पर मैं तीन चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, टी स्टेप, हेचकुन। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मार्सल और यहाँ पर नेगोपी है। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे दोस्तों यहाँ पर तीन बेस्ट थ्री ऑलराउंडर्स जा रहे हैं, जे स्मर्ट्स, डी प्रेटोरियस और डी डब्ल्यू लूबी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर डिसिको है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सी सेलिका है दोस्तों यहाँ पर, मकोसी है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग में आप चाहे तो यहाँ पर नाबी को ले सकते हो, पैटरसन भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद ये दो दो गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार टीम देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन टीम देखने से पहले कैप्टन को देख लीजिए, डब्ल्यू लूबी है और यहाँ पर डब्ल्यू मार्शल है दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो यहाँ पर अगर विकेट कीपिंग की बात करें यहाँ पर ब्रिट्सकी है और बैट्समैन में कून और नेगोपी, मार्शल, टी स्टेप्स है और यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे जे स्मर्ट, प्रेटोरियस और डब्ल्यू लूबी है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में सी सेलिका, उसके बाद देख सकते हैं मकोसिया, डिसिको है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, यहाँ पर ये दो टीम तो मैं बना के दे दिया, लेकिन आपको मैं टेलीग्राम पे फाइनल टीम जो होगा आपको एक ही टीम दूंगा दोस्तों। अगर लाइनअप पे इधर उधर होते तो इस टीम को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल टीम होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट इन शुड ज्वाइन करना दोस्तों, इसी तरह आपको फाइनल टीम मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा हेड टू हेड की जो विनिंग रेशियो है बहुत हाई है दोस्तों, यहाँ पर 80+% है। तो अगर आपको भी यहाँ पर हेड टू हेड आके खेलना है दोस्तों आसान से जीत जाओगे। ग्रैंड लीग थोड़ा लक पे डिपेंड करता है, आप ही को भी पता है। तो यहाँ पर जो भी फाइनल टीम होगा दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फाइनल टीम जो होगा यहीं पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यही है पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।